बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें मापा कर सकते हैं, लेकिन आज बहुत सिंपल बातें आपसे करनी है। मां यानी एक ऐसा व्यक्ति जो थप्पड़ लगाकर खुद रोता है, मां यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसके थप्पड़ खाकर भी हम दौड़कर उसे सिमट कर रोते हैं, मां यानी जो राह देखती है, घर में आते ही प्रश्न पूछती है, खाना खाया, खाना गरम करो, बाहर जाते हैं मां को कह देते हैं आने में लेट हो जाएगा, फिर भी जब तक हम नहीं आएंगे तब तक रात भर जागती है, वो मां होती है। मां जिसके साथ रहते हैं ना तो हम ये भूल जाते हैं कि जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम भी है। मां जिसके हाथ का खाना बोरिंग बोरिंग फरियाद रहती है हमारी हमेशा मां के खाने की, लेकिन जब बाहर गांव जाते हैं 15-20-25 दिन मां के हाथ का खाना नहीं मिलता है ना, तब उसकी याद है ना, खाने की याद, वो सिर्फ यादों में नहीं रहती है, आंखों में आंसू भी देकर चली जाती है। मां जो बहुत सवाल पूछती है, हमारे हर झूठे जवाबों पर विश्वास रखती है, मां है ना वो जीवन का श्वास है, हृदय की धड़कन है। मां हमारे लिए सिद्धि का सिंहासन है, शांति का आश्वासन है, कमजोरियों को ढकने का पर्दा है, भूलों में दिलासा है, मेरे जीवन का खुलासा है। मां यानी राहुल द्रविड़ द वॉल, एक दीवार जो हमेशा हमारे साथ रहेगी दुनिया से लड़ने के लिए। मां यानी हमारा सब कुछ, सब कुछ यानी हमारी मां। सुबह से शाम तक मजदूरी करके रात को जब बेटा घर लौटता है ना तो पापा पूछते हैं कितना कमाया, बीवी पूछती है कितना बचाया, बच्चे पूछते हैं कुछ लाया, लेकिन मां पूछती है बेटा कुछ खाया, ये होती है मां। मुनव्वर राणा की एक सुंदर से पंक्ति आंखों के सामने से गुजर रही है, बंटवारा हुआ किसी के हिस्से में घर आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं खुश नसीब था मेरे हिस्से में मां आई, मेरे हिस्से में मां आई।